ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों इस वर्ल्ड कप का मैच नंबर 39 खेले जाने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई पे। बाकी पिच के बिहेवियर को अगर आप लोग देखोगे ना तो एक बहुत ही एबनॉर्मल सा बिहेवियर रहा है इस पिच पे। फर्स्ट इनिंग्स में यहां पर रन देखोगे तो बड़े रन बन रहे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम ने 399 रन बनाए, साउथ अफ्रीका की टीम ने 382 रन बनाए, इंडिया की टीम ने 357 रन बनाए। लेकिन जब सेकंड टीम इस वेन्यू पे चेस करने आती है तो पूरी कोलैप्स्ड हो जाती है। श्रीलंका की टीम देखोगे 55 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई, बांग्लादेश की टीम 233 रन पे ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड की टीम 170 रन पे ऑल आउट हो गई। और यहां पर इस वेन्यू पे पेसर का पूरा दबदबा रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर देख लो 10 विकेट में 9 विकेट पेसर को मिले, यहां पर देख लो 10 विकेट में 9 विकेट पेसर को मिले और यहां पर भी देख लो 10 विकेट में 8 विकेट पेसर को मिले। तो यहां पर दोस्तों सेकेंड इनिंग्स पे रन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और पेसर को यहां पर काफी एडवांटेज रहता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर टॉस जीतती है या जो भी टीम यहां पर पहले टॉस जीतेगी बैटिंग ही करना पसंद करेगी। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। कोशिश यह कीजिएगा कि चैनल को आप लोग पक्का से सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज हम लोगों की फैमिली अब 5 लाख के बहुत पास पहुंच चुकी है, 4,93,000 फिगर है दोस्तों। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसी वर्ल्ड कप पे हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन जाएंगे। तो सभी भाइयों से, दोस्तों से, सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहां पर आप लोगों को मेरी पर्सनल फाइनल टीम और मेगा ग्रैंड लीग की टीम्स भी मिलती है, जिसे आप लोग बिल्कुल से भी मिस मत कीजिएगा। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर मिचेल मार्श, वैसे वापस आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया आ चुके हैं, अगर मिचेल मार्श खेलने आएंगे ना तो यहां से कैमरून ग्रीन हटते हैं और फर्स्ट डाउन पोजीशन पे मिचेल मार्श आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर? ठीक है, अच्छा। और दूसरा, अगर मैक्सवेल ठीक हो जाते हैं, वैसे मैं पढ़ रहा था कहीं पर मैक्सवेल के खेलने के चांसेस भी है, मैक्सवेल अगर खेलते हैं तो मार्कस स्टोइनिश आउट रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट मैच में जो प्लेइंग 11 थी वो थी डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड थे, फिर स्टीवन स्मिथ थे, फिर मानुस लबुशेने थे, फिर जोश इंग्लिश थे, कैमरून ग्रीन थे, मार्कस स्टोइनिश थे, बॉलिंग वाले सेक्शन पर पैट क्यूमिन, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और एडम जैम्पा थे। वहीं बात करूं दोस्तों अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो यहां पर रमनुल्ला गुरबाज और इब्राहिम जतरान थे, उसके बाद रहमत शाह थे, फिर हसमतुल्ला शाहिदी थी, फिर अजबतुल्ला उमरजाई थी, फिर मोहम्मद नबी थे, उसके बाद इकरम अली खिल थे, फिर राशिद खान थे, मुजीबुर रहमान थे, नूर अहमद थे और फैजल हक फरूकी थे। हो सकता है यहां पर नूर अहमद के बदले टीम नवीन उल हक को भी ट्राई कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि यहां पर इस वेन्यू पे पेसर को एडवांटेज है, स्पिन के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक इस वर्ल्ड कप पे आप लोगों ने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना तो सभी भाइयों से और दोस्तों से रिक्वेस्ट है माई 11 सर्कल ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि माई 11 सर्कल ऐप पर आप लोगों के पास मौका रहता है मेगा ग्रैंड लीग पे 1 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड विन करने का, कंपटीशन बहुत ही कम है, साथ ही साथ डेली आप लोगों को नए नए अवार्ड आप लोगों को दिखते हैं। यहां पर चमचमाता महिंद्रा थार आप लोग जीत सकते हो, XUV 700 जीत सकते हो, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड जीत सकते हो, यूरोप का ट्रिप, दुबई का ट्रिप, मतलब बहुत कुछ है यहां पर लिटरली आप लोगों के लिए जीतने के लिए, और कॉम्पिटिशन ना के बराबर है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करते हो और CRICK23 कोड को यूज करते हो तो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे 20% रियल एक्स्ट्रा कैश भी मिलता है, मतलब अगर 1,000 रुपए वॉलेट पे डालोगे तो 1,200 रुपए आते हैं और ये रियल मनी है, बोनस नहीं है। बाकी इंस्टेंट बोनस 1,500 रुपए का ऐप को डाउनलोड करते ही आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को।
विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के टीम पर जोश इंग्लिश दिखते हैं, वहीं अफगानिस्तान के टीम पर रमनुल्ला गुरबाज और इकरम अली खिल खेलते हुए दिखेंगे। जोश इंग्लिश का परफॉर्मेंस देखो 58-13-14-38-3, बाकी वेन्यू पे एक मैच खेला है जिसपे 26 का इनका एवरेज है। वही रमनुल्ला गुरबाज को अगर आप लोग देखोगे तो 80-11-65-0-10, बाकी 33 मैच में 38 का एवरेज है। इकरम अलीखिल को देखोगे तो 58-19, बाकी 3 मैच में बैटिंग नहीं मिला है, बाकी ओडीआई पे 19 मैच में 28 का इनका एवरेज है। अच्छा, अब यहां से देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन बनता है। यहां से दोस्तों आप लोगों के लिए रमनुल्ला गुरबाज मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता है, इस बात को ध्यान रखेगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करने आएगी यहां पर, तो उस कंडीशन पे जोश इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं बनेंगे क्योंकि टॉप ऑर्डर ही रन चेस कर देगा। प्लस अगर मिचेल मार्श आ जाते हैं तो जोश इंग्लिश डाउन द लाइन और नीचे चले जाते हैं फोर डाउन पोजीशन तक में, तो मुझे नहीं लगता है उस टाइम पे आप लोगों को जोश इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी टीम पे। बट जोश इंग्लिश के साथ एक एडवांटेज है कि जोश इंग्लिश यहां पर विकेट कीपिंग करते हैं। सपोज करो कि रमनुल्ला गुरबाज यहां पर 10 रन पे आउट हो गया, ठीक है, 10 रन पे आउट हो गया और यहां पर जोश इंग्लिश ने विकेट कीपिंग करा, अफगानिस्तान के टीम के 10 विकेट गिरे, उसमें सपोज करो जोश इंग्लिश को 2 कैचेस मिल गए प्लस 1 रन आउट मिल गया प्लस 1 स्टंपिंग मिल गया, तो उसके अच्छे खासे पॉइंट्स तो हो ही गए ना यहां से, रमनुल्ला गुरबाज से ज्यादा उसके पॉइंट हो जाएंगे। तो इसीलिए मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग एकदम से जोश इंग्लिश को हटाकर मत चलिएगा, ट्राई कीजिएगा सिर्फ इन पॉइंट्स के लिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि अफगानिस्तान के 10 के 10 विकेट यहां पर निकल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बाकी आप आ जाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दोस्तों आप लोगों को डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ और मानस लबुशेने खेलते हुए दिखेंगे। डेविड वार्नर जबरदस्त फॉर्म पर है दोस्तों, यहाँ देखो 11-163-104-81, फिर लास्ट मैच में 15 पे फ्लॉप हुए थे, वेन्यू पे एक मैच खेला 128 रन बनाया है, हेड टू हेड 3 मैच में 145 का एवरेज है, मतलब लेना ही है आप लोगों ने। ट्रेविस हेड की अगर मैं बात करूं तो ये पहला मैच था इनका वर्ल्ड कप का, 109 रन बनाए थे, लास्ट मैच में 11 रन पे जल्दी आउट हुए थे, इन्हें भी आप लोगों ने पिक करना ही है। स्टीवन स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैच में 44 बनाए थे, उससे पहले एक बार 71 बनाए थे, बाकी हेड टू हेड 2 मैच में 56 का एवरेज है, एक बार 95 बना चुके हैं, वेन्यू पे 2 मैच में 22 का इनका एवरेज है। स्टीवन स्मिथ को भी आप लोगों ने लेना ही है, मतलब डेविड वार्नर हो गया, ट्रेविस हेड हो गया, स्टीवन स्मिथ हो गया, ये तीनों तो आप लोगों ने लेना ही है। अब आ जाते हैं मानस लबुशेने। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करती है और अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है, इस बात को ध्यान रखेगा, अगर मिचेल मार्श भी आ गए तो फिर मानस लबुशेने थर्ड डाउन पोजीशन पे खेलेंगे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करती है उस कंडीशन पे भी मानस लबुशेने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट ऑर्डर में बैटिंग करती है और अगर आप लोग इन टॉप ऑर्डर में से 2 प्लेयर ही लेकर चलोगे तो उस कंडीशन पे आप लोगों के लिए मानस लबुशेने इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। वही बात करूं अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे तो इब्राहिम जदरान, रहमत शाह और असमतुल्ला शाहिदी दिखेंगे। इब्राहिम जदरान को देखो 28-14-87-39-20, बाकी रहमत शाह को देखोगे 3-36-77-62-52, बाकी असमतुल्ला शाहिदी को देखोगे तो 48-58-56, ये दोनों अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। रहमत शाह और हसमतुल्ला शाहिदी अच्छा कर रहे हैं, इब्राहिम जदरान उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और इनिशियली होगा क्या, इब्राहिम जदरान के आगे बॉलिंग कौन करने आएगा? स्टार्क बॉलिंग करने आएगा, और स्टार्क क्या है, लेफ्ट हैंडेड पेसर है, इब्राहिम जदरान राइट हैंडेड बैट्समैन है, एलपीडब्ल्यू आउट हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेग बिफोर आउट हो जाएगा इब्राहिम जदरान जल्दी ही इस मैच पे। बाकी रहमत शाह और हसमतुल्ला शाहिदी की अगर मैं बात करूं तो रहमत शाह भी राइट हैंडेड है, हसमतुल्ला शाहिदी यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप लोग मेगा ग्रैंड लीग पे पिक करके चल सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्मॉल लीग पे चाहो तो इन तीनों को आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन के एनालिसिस में। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम पे मार्कस स्टोइनिस और कैमरून ग्रीन खेलेंगे। कैमरून ग्रीन ने लास्ट मैच में 47 रन बनाए थे, क्लियर, बट एक बात ध्यान रखना, कैमरून ग्रीन को बॉलिंग नहीं दिया गया था, मार्कस स्टोइनिस ने 35 रन बनाए थे और 1 विकेट निकाले थे। मतलब क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया अपने 4 कोर बॉलर के साथ जाएगी और जो 5वां बॉलर होगा वो कौन होगा, कैमरून ग्रीन होगा, मार्कस स्टोइनिस होगा और ट्रेविस हेड भी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ट्रेविस हेड भी बॉलिंग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां से मुझे ऐसा लगता है कि मार्कस स्टोइनिस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कैमरून ग्रीन के मुकाबले में, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है और विकेट निकालता है जब भी बॉलिंग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो आप लोग मार्कस स्टोइनिश को पिक कीजिएगा। बाकी अफगानिस्तान की टीम पे अजमतुल्ला, उमरजाई और मोहम्मद नबी होगा। अच्छा, मोहम्मद नबी दोस्तों स्पिन करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर, स्पिन बॉलर है। प्लस अजमतुल्ला उमरजाई मीडियम पेस बॉलर है, क्लियर। अब देखो स्पिन को तो इतना एडवांटेज है नहीं यहाँ पर इस वेन्यू पे, मीडियम पेस को ठीक ठाक एडवांटेज है और अजमतुल्ला उमरजाई बैटिंग पे अच्छा कर रहा है। यहाँ देखो 73 रन भी बनाया उसने, 31 रन भी बनाया उसने रिसेंटली, अभी रन बनाकर आ रहा है, ठीक है। और बॉलिंग पे भी यहाँ एक बार विकेट मिला है, और यहाँ पर क्योंकि स्पिन को उतना एडवांटेज नहीं है, मैं मोहम्मद नबी के ऊपर अजमतुल्ला उमरजाई को प्रायोरिटी दूंगा और टीम पे अजमतुल्ला उमरजाई को लेकर चलूंगा। गिव अवे का क्वेश्चन भी अजमतुल्ला उमरजाई पे रखते हैं कि अजमतुल्ला उमरजाई इस मैच में कितना रन बनाएगा, प्लस बॉलिंग पे उसका क्या फिगर रहने वाला है। अगर आप लोगों का जवाब एग्जैक्टली सही जाता है तो आप लोग 50,000 रुपीज का कैश अवार्ड विन कर सकते हो। क्लियर है ऑलराउंडर वाला सेक्शन। अब आ जाओ दोस्तों अपने बॉलिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस में। बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के टीम पर मिशेल स्टार्क, पैट क्यूमिंस, एडम जैम्पा, जोश हेजलवुड देखेंगे, चारों को पिक करके चलना आप लोगों ने, क्लियर। किसी भी एक को ड्रॉप नहीं कर सकते। पैट क्यूमिंस 2 विकेट, मिशेल स्टार्क 2 विकेट, एडम जैम्पा लास्ट मैच में 3 विकेट, जोश हेजलवुड 2 विकेट, सभी ने विकेट निकाले लास्ट मैच में और इस मैच में भी सभी विकेट निकालेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहां से ध्यान रखिएगा, मिशेल स्टार्क आप लोगों के लिए इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर भी बन सकता है। वेन्यू पे 2 मैच खेले जिसमें 6 विकेट उसने निकाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। एडम जैम्पा ने भी 1 मैच में 3 विकेट निकाले हैं, जोश हेजलवुड ने भी हेड टू हेड 1 मैच में 2 विकेट निकाले हैं, पैट क्यूमिंस ने 1 मैच में 3 विकेट, तो इन्होंने सबने विकेट निकाले हुए हैं। स्टार्क 4 विकेट होल्ड कर चुका है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये चारों इंपॉर्टेंट है। पैट क्यूमिंस हो गया, मिशेल स्टार्क हो गया, एडम जैम्पा हो गया, जोश हेजलवुड हो गया, और मिशेल स्टार्क यहाँ पे कैप्टन का भी कंटेंडर है। किस कंडीशन पे किसे कैप्टन रखना है अभी आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अफगानिस्तान के टीम पे रशीद का 3-1-0-1-0, मुजीब 3-1-0-2-1, हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट है मुजीब के पास, 1 मैच में 1 विकेट है, नूर अहमद 1-1-3-2 अभी अच्छा कर रहा है नूर अहमद फिलहाल के टाइम पे। बाकी फैजल अक फरूकी की अगर मैं बात करूं तो 1 मैच में 4 विकेट फिर 0 विकेट। अच्छा, यहां से रशीद खान इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों मालूम है, क्योंकि रशीद खान मुझे बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है प्लस बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकता है, क्योंकि बैटिंग ठीक ठाक कर लेता है, अगर मान लो 20 रन भी बना देता है और 1 विकेट भी निकाल देता है तो काम हो जाएगा, ठीक है, 2 विकेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा इजीली, क्लियर। तो यहां से रशीद खान इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्लियर है। बाकी अभी के टाइम पे टीम में आप लोगों को दिखाता हूं कैसी है मेरी। यहां देखो तो यहां से मैंने रहमानुल्लाह गुरबाज को लिया है, बट जोश इंग्लिश भी ऑप्शन रहेगा, मैंने आप लोगों को समझाया था क्यों रहेगा। बाकी डेविड वॉर्नर, स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, मार्कस स्टोइनिश, अजमतुल्ला उमरजाई, जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क, पैट क्यूमिंस, एडम जैम्पा और रशीद खान, कैप्टन और वाइस कैप्टन समझो। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बैटिंग करने आ जाती है तो बड़ा स्कोर बनेगा, तो उस कंडीशन पे डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड इन दोनों में से किसी भी एक को आप लोग कैप्टन कर सकते हो, क्लियर। अलग अलग टीम पे अलग अलग को कीजिएगा और मिचेल स्टार्क को आप लोग वाइस कैप्टन कीजिएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बॉलिंग करने आ जाती है तो उस कंडीशन पे आप लोग मिचेल स्टार्क हो गया और हाँ मिचेल स्टार्क को आप लोग कैप्टन कीजिएगा और डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड में से किसी एक को आप लोग वाइस कैप्टन कीजिएगा। क्यों मालूम है, क्योंकि समझो देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी तो 340 प्लस का स्कोर रहेगा, तो कोई ना कोई एक यहाँ पर 100 प्लस खेल कर ही आएगा इजिली, और बॉलर आके 3 विकेट कोई ना कोई बॉलर इजिली निकाल लेगा, ठीक है, तो बैट्समैन को पूरा मौका है। अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है और समझो कि 200 रन ही होता है यहाँ पर, तो होगा क्या, कोई ना कोई एक बॉलर 4-5 विकेट तो निकालेगा बट बैट्समैन के पास उतना बड़ा मौका नहीं होगा कि बॉलर के उस 4-5 विकेट को तोड़ पाए, मतलब उससे ज्यादा पॉइंट्स आप लोगों को दे पाए, इसीलिए इस तरह से आप लोगों ने सीवीसी रखना है इस मैच पे, क्लियर। बाकी हाँ, माय 11 सर्कल ऐप होपफुली आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से इस ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लो। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।